दोस्तों, आप सब कैसे हैं? भगवान से ही दुआ करेंगे कि जो भी मेरा चैनल पर परिवार जुड़ा है सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान सबके भला करे। आज आप लोग को एक बात बताना है, आतंकवादियों को माफ़ करना ईश्वर का काम है, लेकिन ईश्वर से मुलाकात करवाना इंडियन आर्मी का काम है। जिस भाई का एग्ज़ाम पेंडिंग है, जिस फौजी भाई, आप लोग फौजी न हैं, जिस भाई का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, अभी तो मेरा भी नहीं हुआ है, आप लोग देश के आन बान शान है, बिना आर्मी का देश चलने वाला नहीं है। तो आप लोग के लिए मैं आप लोग के सलूट करता हूँ कि आप लोग, जिस भाई का एग्ज़ाम रुका है उसके आगे का भी रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हौसला बुलंद रखना है, हौसला तोड़ना नहीं है। सरकार से तो हम लोग केस जीते जाएंगे। पेंडिंग में एग्ज़ाम जिस भाई के है, जिस भाई का पेंडिंग में अभी तक एग्ज़ाम नहीं, अभी तो बहुत सारे भाई जिस एग्ज़ाम सरकार तो कराइबे करेगा, केस हारबे करेगा, तो अपने को मेडिकली फिट रखे। सरकार केस हारने के बाद रीमेडिकल के लिए कोर्ट को राजी कर सकती है, क्योंकि 180 दिन बाद, 180 दिन यानी 6 महीना बाद के बाद मेडिकल इनवैलिड हो जाता है, मतलब मेडिकल फिर से दोबारा होता है। तो इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग मेडिकली फिट रहिए। केस जो हम लोग का है कोर्ट तक पहुंच गया, आप देखते हैं कोर्ट से क्या फैसला आता है। यदि कोर्ट से फैसला मिला जाएगा तो फिर हम लोग के रीमेडिकल के लिए, मतलब फिर से दोबारा मेडिकल होगा, तो क्योंकि हम लोग के 6 महीना से अधिक हो गया है। तो आप लोग मेडिकली फिट रहिए भाई साहब, और क्या बताएं, मेडिकल है, अभी मेडिकल के बाद ही आप रिटर्न होगा ना। अब जब सरकार केस हार भी जाता है, हम लोग जीत, भगवान से तो यही दुआ करेंगे हम कि हम लोग केस जीत जाए, हम लोग आर्मी में भर्ती हो जाए, भारत माता का सेवा करें, देश के लिए बहुत कुछ करना है। सभी फौजी भाई को, जो भी भाई के एग्ज़ाम रुका है, क्योंकि सबके बस के बात नहीं है कि इंडियन आर्मी में दौड़ निकाल, निमन निमन जाने का पसीना खाली मुँह से बोलला से हो जाए कि हम हई कलेम हो कलेम, तो उन लोग के पास जिगरा बा तबे तो निकल रहा, जितना सहे के क्षमता बटे, धूप में तड़पता 12 बजे धूप में दौड़त रहा जो हम देखत ना रहनी, तो हम लोग अपना सहे के क्षमता रखा जा और मेडिकली फिट एकदम, मतलब अफवाह नहीं खेती करे के ज़्यादा तर। सरकार तो केस भगवान करस की हार जाओ, हम लोग के जीत होके कहाँ से का अभी तक ले, जितना भी कुछ हुआ है स्टूडेंट के, जो स्टूडेंट कोई भी नौकरी में देखिए, जहाँ पर स्टूडेंट बात उठा दिया है वहाँ पर जीत स्टूडेंट के हुआ है, तो हम लोग के भी होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें। और एक बात और यार, जिनके खानदान में कोई आज तक ले 1600 मीटर कभी दौड़ा नहीं, वो अग्निवीर के फायदे बता रहे हैं। गजीब हाल है भाई, तू का फ़ायदा बताएगा? तुम्हारे तो खानदान में कोई दौड़ने वाला है ना, ना पता है कि इंडियन आर्मी क्या कहलाता है, देश क्या कहलाता है, किस पे देश चलता है, तो उन लोग फ़ायदा गिना है कि अग्निवीर से ये फ़ायदा हुए, वो फ़ायदा हुए। अरे साले, तो सरकार तुम लोग, हम लोग के 3 साल जो है 2020 से अथी हुआ है, अभी तक 2-3 साल हो गया, उसी समय से फंसा के रखा है कि आज एग्ज़ाम होगा, 29 मई को होगा, 28 मई के होला, हई मई के होला, करत करत बीत गए लास्ट में सुना दस कि अरे साला वही करते कह दिल रहती कि एग्ज़ाम ना हो। सभी भाई गरीब घर से परिवार आते हैं, कैसे कैसे कौन भाई कहाँ तैयारी कैले बने, या हम जानते, हमारा पास कॉल आता है, हम नवर पता बटे, हम गरीबी परिवार से, जो गरीबी से गुजर वह गरीबी के हाल जानी, और दोसर तब जो अथी परिवार से वो ना जानी, गरीब के मजाक उड़ा के फेंक दिया सर, हम जानते नहीं। जैसे मेरा भाई ट्रेन जला दिया तो राष्ट्र की संपत्ति, और तू मोदी या बेच रहा है ऐसे जैसे तेरा बाप के संपत्ति है, सब बेच के प्राइवेट कर रहा है, तुम्हारा बाप के संपत्ति है कि हम लोग के ही संपत्ति है, बोल। इनका बाप के मैं बेचल जाता रहे, मैं प्राइवेट कर ले जाता, इनका बाबू जी के संपत्ति हटे। अभी एग्जाम जान हो खेता ना, इंडियन आर्मी के जवान कितना भी बूढ़ा हो जाए, बकिर जवाने ही कहलाएगा,
उसमें रग रग के खून दौड़ा है, क्योंकि भारत माता का सेवा किया है। उसमें जहाँ नाजायज होगा तो उन लोग फौजी भाई तो धड़ाक से एक्शन लेगा, क्योंकि उन लोग किसी से डरते नहीं हैं। दिन रात जो सीमा पे गोली खाने के लिए तैनात है, दुश्मन से डरते नहीं हैं। वो डरेगा, किसी गलत कदम देखेगा तो आवाज़ तो उठाएगा। इस पर जो अग्निवीर चला है, इस पर बहुत सारे फौजी भाई मतलब गुस्सा हुआ है, गुस्सा का उखेजा मन मन पर अंदर है। कर भी क्या सकते हैं, बकीर जो है आंदोलन तो होगा, शांतिपूर्वक होगा आंदोलन, क्योंकि हम लोग के सरकार हम लोग से बहुत धोखा कर रही है। जब सरकारें हम लोग से धोखा करता तो हमनी के धोखा कहनी जाता का कहनी जा, जो बैठल बड़ा सन भोसरी वाला नेता मंत्री विधायक गरीब बहन चौधरी कनी के का कही ना गाड़ी देवे के बाकी रही साले लोग के। अभी तक कोनो नेता विधायक कोनो इस पर बात उठैला हसन, यदि नेता विधायक मंत्री बात उठावे लागे तो फिर पहले वाला नियम लागू हो जाए। तो ये भोसड़ी वालों के खाली पिंसिन चाहिए, पिंसिन एक हल जीत के पिंसिन चाहिए, और एक दूसरा के जातिवाद फैला के लड़ावे खातिर एक के चाहिए भोसड़ी वाला। एक बात कौन उठाए तो मैं आज फिर से रेगुलर हो जाए। फिर एक बिहार एथलेटिक का फाइनल डेट आ चुका है, तो उस पर एक वीडियो और पूरा डिटेल से मैं बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा बात कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।